नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7, 8 और 9 मार्च की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन 3 दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 7 मार्च की बात करें तो दोस्तों ये दिन सोमवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और दोस्तों ये दिन भरणी नाम का नक्षत्र रहेगा। जय दोस्तों, यदि योग की बात करें तो इंद्र नाम का शुभ योग और वैधृति नामक शुभ योग रहने वाले हैं। वही दोस्तों, दिन राहु कल के समय सुबह के 8:14 से लेकर सुबह के 9:42 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। इसके बाद दोस्तों, चंद्रमा दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन मंगलवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि कृत का नक्षत्र और शायद दोस्तों इस दिन विष्णु नाम का शुभ योग रहेगा। यह दोस्तों राहु कल का समय दिन शाम के 3:33 से लेकर शाम के 5:01 रहेगा। वह दोस्तों, चंद्रमा दिन मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार कर जाएंगे। वह दोस्तों, अगर दिन 9 मार्च की बात करें तो दोस्तों ये दिन बुधवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि कृतिका नाम का नक्षत्र और शायद दोस्तों ये दिन प्रीति नामक शुभ योग रहने वाले हैं। जो दोस्तों दिन राहु कल का समय दोपहर के 12:37 लेकर दोपहर के 2:05 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा दिन वृषभ राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय पारिवारिक सहयोग प्राप्त होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, यह समय पारिवारिक सहयोग से घर गाड़ी इत्यादि प्राप्त होने की संभावना भी पाई जाती है। कामकाज के क्षेत्रों में भी पारिवारिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, घर परिवार में मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें, यह प्रयास आपके लिए सफल हो सकता है। वह दोस्तों, यह समय अगर नेगेटिव की लेकर बात करें तो दोस्तों बेवजह यात्राएं करना भी यह समय ठीक नहीं होगा। जोखिम उठाने वाली प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाने की यह समय आवश्यकता होगी। जो लोग विदेश या दूर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनको उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिल पाएंगे। दोस्तों, यह समय आपके लिए थोड़ा समय सामान्य भी रह सकता है, संभव है। यह समय आप अपनी कुछ बातों को लेकर थोड़ा विचलित रह सकते हैं, विचलित महसूस कर सकते हैं। काम में मन नहीं लगेगा दोस्तों, या फिर मन कम ही लगेगा। लेकिन दोस्तों, यह समय आपके लिए जिम्मेदारियों की अनदेखा करने का नहीं है। किसी भी तरह अपने आप को थोड़ा सामान्य रखें और काम को प्राथमिकताओं से निपटाएं। दोस्तों, किसी भी मामले में आपको दूसरे पर या फिर परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना है। अपने काम पर स्वयं पूरे करें, अपने काम को स्वयं पूरे करें और अपने काम पर स्वयं अपना ही ध्यान दें। दोस्तों, यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय आप अपनी प्राथमिकताओं को तय करें, टारगेट पर पूरा फोकस करें, अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, यह समय यदि आप पैसा कहीं आपका रुका हुआ है तो दोस्तों थोड़े से प्रयास से आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है, आपको आपका रुका हुआ पैसा भी यह समय मिल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह समय आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल ही रहेगा। आपके काम धंधे में बेहतरी आने के कारण आर्थिक स्थिति भी यह समय बेहतर होने की उम्मीद बन रही है। दोस्तों, यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय आपका जीवन साथी आपको मन ही मन बहुत पसंद करेगा और आपको खुश करने के तरीके भी ढूंढेगा। चाहे वह आपकी पसंद का भोजन बनाना हो या फिर आपके साथ कहीं घूमने जाने का या फिर दोस्तों आपकी पसंद की ड्रेस पहनना भी हो सकता है। दोस्तों, यह समय जीवन साथी के साथ आपका छोटा विवाद भी हो सकता है, हालांकि दोस्तों इनका आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों, दिन के समाप्ति में सुखद समाचार भी मिलेंगे।
दोस्तों हो सकता है आपका लव लाइफ फिर से शुरू हो जाए अच्छी दिशा में। वही दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों सेहत के मामले में आपका यह दिन ठीक रहेगा, पुराने दर्द से राहत रह सकती है। दोस्तों इन दिनों में आपको पैरों में थोड़ा सा दर्द का शिकायत भी रहेगा। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा 3। वहीं दोस्तों यश में आप अपनी काबिलियत के कारण समाज में मान और प्रतिष्ठा प्राप्त भी करेंगे। सृजनात्मक क्षमताओं के कारण व्यवसाय में आपको निश्चित सफलता मिलेगी, परंतु दोस्तों यह दिन के मध्य में आपका ध्यान विचलित हो सकता है। इस कारण दोस्तों आपको कार्य में फिर से ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में आपकी वित्त की स्थिति को लेकर बात करें यानी पैसों की स्थिति को लेकर, तो दोस्तों यश में आपका दिमाग एक अलग ही काम में लगा रह सकता है। लंबित काम उबाऊ हो सकता है लेकिन आपके वरिष्ठ चाहेंगे कि आप इसे समय पर पूरा कर लें। दोस्तों आपके वरिष्ठों से आपकी अपेक्षाएं बहुत अधिक हो सकती है और लेकिन आपको निराशा हाथ लग सकती है। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि यह समय लंबित कार्यों से चिपके रहना उचित होगा। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों यश में प्यार के मोर्चे पर कठिन समय आपको चिंतित कर सकता है। हालांकि गणेश जी कहते हैं कि यह एक अस्थायी चरण होगा, इसलिए दोस्तों आपको इसे अपने मन पर राज नहीं करने देना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो दोस्तों आप अपने पीर से बात करने के लिए स्वतंत्र यश में महसूस करेंगे। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यश में आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने की संभावना है। इस सकारात्मक पहलू का अच्छा असर आपके बैंक खाते व आपके कार्यशैली पर पड़ सकता है। दोस्तों सर्वदा खुश रहने का प्रयास करें तो आप यह पाएंगे कि इससे आपके जीवन पर अच्छा असर पड़ रहा है। दोस्तों यह समय पेशेवर मोर्चे आपको व्यस्त करेगा क्योंकि बहुत सारे लंबित कार्य पूरा करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यह समय आपका मूड तनावग्रस्त और परेशान भी रह सकता है। गणेश जी कहते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा है, बस सकारात्मक सोचें और कुछ समय के लिए आप रिलैक्स करना पसंद करें। मुस्कुराएं क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे अच्छा इलाज होगा। दोस्तों यश में आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें, आपके कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, न कि लालच का जहर। दोस्तों अगर आप अपने प्रेमी के साथ कई बार घूमने जा रहे हैं तो दोस्तों कपड़े सोच समझ कर पहने, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्रेमी आपसे नाराज भी हो सकता है। दोस्तों पैसे बनाने के नए विचार जो आपके मन में आ सकते हैं, यश में उन विचारों का आप उपयोग भी करें। चीज़ों और लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। दोस्तों परिवार के किसी सदस्य के साथ जो है थोड़ी दिक्कत का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के आखिरी में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को भी समझेगा, आपके लिए सलाहेगा यानी आपको सलाह भी दे सकता है। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर की पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में बिल्व का पेड़ लगाएं या दोस्तों और उसे जल दें। साथ ही शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक भी जलाएं। इसके उपरांत दोस्तों घर की उत्तर पूर्व दिशा में शिव परिवार की तस्वीर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो दोस्तों इन्हें भी आप यश में करें। घर के कलेश दूर करने के लिए भगवान शिव, माँ पार्वती, बेटे गणेश और कार्तिकेय का तस्वीर भी यश में लगाएं। इसे दोस्तों घर के बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं।